हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 12, माई हाउस। माई यानी मेरा और हाउस होता है घर, तो मेरा घर। आइए इसका प्री रीडिंग सेक्शन देखें। ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। बच्चों, आप यहाँ ये पिक्चर देख सकते हैं, डॉट्स में दी गई है। आप सभी को ये डॉट्स जो हैं वो मिलानी हैं और फिर इसके बाद जो भी पिक्चर ये बनती है उसमें कलर करने हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स में इसे करें। आगे है व्हाट हैव यू ड्रॉन। अब आपको ये बताना है कलर करने के बाद, इसे कंप्लीट करने के बाद, कि आपने ये क्या बनाया है। बच्चों, जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये एक घर है। तो आप यहाँ लिखे ए हाउस। आपने क्या बनाया? एक घर। नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में और क्या क्या दिखा वो सब आपको बताना है। तो एक तो हो गया हाउस, और देखें यहाँ और क्या क्या दिखेगा आपको। तो और आप इसमें लिख सकते हैं विंडोज, डोर, पिलर्स और ग्रास। तो ये सब आप यहाँ लिखें, विंडोज, डोर, पिलर्स एटसेट्रा। आइए आगे चलें। आगे है रीडिंग सेक्शन, आइए इसे पढ़ें। माय नेम इज आशु। मेरा नाम आशु है। आई लिव इन हरियाणा। मैं हरियाणा में रहता हूँ। दिस इज माय हाउस। यह मेरा घर है। इट इज ए ब्यूटिफुल हाउस। यह एक सुंदर घर है। आई लिव इन इट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं यहाँ इसमें अपने दादा दादी, पिता, माता, भाई तथा बहन के साथ रहता हूँ। इट हैज 5 रूम्स, ए किचन एंड ए बिग ड्राइंग रूम। इसमें क्या क्या है? 5 कमरे हैं, एक किचन है और एक बड़ा ड्राइंग रूम है। देयर इज ए स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और मेरे घर के सामने एक छोटा गार्डन है, पार्क है। तो बच्चों, ये पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। इस घर के बारे में बताया गया है। ये जो लड़का है यहाँ, ये अपने घर के बारे में बता रहा है, जो अभी हमने सारा पढ़ा। आइए आगे चलें। देयर इज ए बिग नीम ट्री ऑल्सो आउटसाइड माई हाउस। मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ भी है। माई फादर इज ए टीचर। मेरे पिता एक अध्यापक हैं। माई मदर इज ए नर्स। और मेरी माता जी एक नर्स हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस नाइस स्टोरीज एट नाइट। मेरे दादा दादी मुझे रात को अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। आई लव माई हाउस वेरी मच। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। तो बच्चों, ये थी रीडिंग माई हाउस की, जो आपने अभी पढ़ी। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स। इस पार्ट से यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आइए उन्हें करें। फर्स्ट इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल है सुंदर। देन लाइव। लाइव का मतलब है रहना। नेक्स्ट वर्ड इज लव, यानी स्नेह करना। नेक्स्ट इज किचन। किचन होती है रसोई घर। नेक्स्ट गार्डन। बच्चों, गार्डन होता है बगीचा। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ, यानी के सामने। आउटसाइड, बाहर। एंड द लास्ट वर्ड इज स्टोरी, यानी कहानी। तो ये थे इससे वर्ड मीनिंग्स। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, एक्टिविटी 1। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, पुट अ टिक अंडर ट्रू, एंड इफ इट इज फॉल्स, पुट द टिक अंडर फॉल्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों, यहाँ हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं और अगला सेक्शन है ट्रू का,
और उससे अगला सेक्शन है फॉल्स का। तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ट्रू पे टिक करेंगे, और अगर फॉल्स है तो हम फॉल्स वाले सेक्शन में टिक करेंगे। आइए देखें, आशुज हाउस इज ब्यूटीफुल। आशु का घर ब्यूटीफुल है, सुंदर है, जो कि सही है, तो हमने टिक किया ट्रू पर। नेक्स्ट, देयर आर फोर मेंबर्स इन हिज फैमिली विच इज फॉल्स। उसकी फैमिली में फोर मेंबर्स नहीं है, फोर मेंबर्स से ज्यादा हैं। एक आशु खुद है, उसकी दीदी, उसका भाई, उसकी माता, उसके पिता और उसके ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसके परिवार में छह या सात मेंबर हैं। नेक्स्ट, हिज फादर इज ए टीचर विच इज ट्रू। उसके पिता एक अध्यापक हैं। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर द हाउस विच इज फॉल्स। उसके घर के पास सामने एक बड़ा नीम का पेड़ है। हिज मदर इज ए डॉक्टर विच इज फॉल्स। उसकी माँ एक डॉक्टर नहीं, एक नर्स है। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज एक्टिविटी टू, मैच द नेम्स ऑफ पर्सन विद द टूल्स दे यूज। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों यहाँ हमारे पास कुछ पर्सन दिए गए हैं एज पर देयर प्रोफेशन, हमें उनको मैच करना है उनके टूल्स के साथ जो वो यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट इज टेलर, और टेलर इसमें से क्या यूज करता है आइए देखें। टेलर यूज करता है निडल को, तो वो जो टेलर था उसको हम मैच करेंगे यहाँ निडल के साथ। तो इसको हमने मैच किया टेलर के साथ। नेक्स्ट इज पॉटर, बच्चों पॉटर किस चीज का यूज करता है आइए देखें। पॉटर अपने घड़े बनाने के लिए यूज करता है व्हील का, तो इसको व्हील के साथ मैच करें। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट इज फोटोग्राफर, फोटोग्राफर यूज करते हैं कैमरा, तो इसको कैमरे के साथ मैच करें। नेक्स्ट इज टिंकर, एंड द टिंकर यूजेस हैमर। तो बच्चों इस प्रकार से सभी अपनी बुक्स में इस एक्सरसाइज को करें, इनको मैच करें। आइए आगे चलें। नेक्स्ट पार्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। सभी बच्चे इन वर्ड्स को पढ़ें। फर्स्ट वर्ड इज फादर, मदर, नेक्स्ट सिस्टर, नेक्स्ट टीचर, एंड द लास्ट इज नर्स। Ask children to listen and complete the words given below. Say them aloud. तो आप सभी को ये जो words यहाँ दिए गए हैं इनको complete करना है। आइए देखें, first is father, F A T H E R, father. Next mother, M O T H E R, मदर। नेक्स्ट सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर। नेक्स्ट टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। एंड द लास्ट इज नर्स, एन यू आर एस ई, नर्स। Next is activity 2, listen and repeat, add another similar sound word in each column. तो बच्चों यहाँ जो भी ये words दिए गए हैं इनसे similar sound word आपको यहाँ एक एक और लिखना है। First is look and its similar sound word is book. Write down one more similar sound word, you can say hook. Next is name, fame, and other word can be game. Next, can, man, ran. Next, how, cow, wow.
बिग पिग डिग. सो कंप्लीट देम इन योर बुक. नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग एक्टिविटी 1. लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. तो बच्चों यहाँ पिक्चर देख के आपको इनका नाम यहाँ कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इज गेट, जी ए टी ई, गेट. नेक्स्ट इज ट्री, टी आर डबल ई, ट्री. एंड द लास्ट इज डोर, डी ओ ओ आर, डोर. आइए आगे देखें. दिस पिक्चर इज ऑफ रूफ, आर ओ ओ एफ, रूफ. देन नेक्स्ट इज विंडो, W I N D O W. एंड द लास्ट इज वॉल, W A L L, वॉल. एक्टिविटी 2, कंप्लीट द फॉलोइंग वोकैबुलरी नेटवर्क यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बच्चों आपको यहाँ ये दिया गया है, यहाँ सेंटर में आप देख पाएंगे ये है घर, ए हाउस. और हाउस में ये डिफरेंट रूम्स दिए गए हैं, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम एंड बाथरूम. अब इनसे रिलेटेड, जो इन चारों से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपको छाट के लिखने हैं. फॉर एग्जांपल ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में क्या होता है, फर्स्ट सोफा एंड टेबल, ये आएगा ड्राइंग रूम वाले सेक्शन में. नेक्स्ट पार्ट इज किचन, किचन के लिए चूज करें गैस स्टोव एंड यूटेंसिल्स. सो राइट डाउन गैस स्टोव एंड यूटेंसिल्स. एंड फॉर बाथरूम, बाथरूम के लिए होगा टॉवल एंड सोप. सो राइट डाउन टॉवल एंड सोप. एंड लास्ट इज बेडरूम, बेडरूम के लिए वर्ड्स हैं पिलो एंड मैट्रेस. पिलो एंड मैट्रेस. सो दीज वर द वर्ड्स रिलेटेड टू देम. तो बच्चों इसी के साथ लेसन नंबर 12 माय हाउस कंप्लीट हुआ. आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा. इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.